नमस्कार वेलकम टू तो स्किल संदीप स्किलीपा कंसल्टेंट कॉपरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक के बारे में मैं बोलूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मेट्रिक के बारे में डिस्कस करूंगा दैट इज कॉल्ड द एवरेज बिल वैल्यू इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एवरेज बिल वैल्यू इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग माई लास्ट फ्यू कंसल्टिंग असाइनमेंट्स मैंने ये रियलाइज किया कि एवरेज बिल वैल्यू को हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज करके कुछ एनालिसिस uh, कर सकते हैं कुछ इंटरप्रटेशंस uh, कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कुछ डिसीशंस ले सकते हैं सो आई विल शेयर ऑल ऑफ इट विथ यू बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलेगा सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम नाउ लेटस कम बैक टू द टॉपिक विध वॉट इज एवरेज बिल वैल्यू लेट लेटस लुक एट दिस इलेन

तो उसका एवरेज में हमने दुकानदार को ढाई हजार रुपया का सामान बेचा सो दैट इज इट दीन्स लेट इज अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज दिस इन डिफरेंट नाउ दिस इज सी वन वेयर द प्रोडक्टिव कॉल इज इंक्रीजिंग बट द वैल्यू सेल्स इट नॉट इंक्रीजिंग देखिए सबसे पहले आप ये जाने कि प्रोडक्टिव कॉल क्यों हम लोग ड्राइव कर रहे हैं प्रोडक्टिव कॉल इज एन इनपुट केपीआई हम लोग यह सोच के प्रोडक्टिव कॉल ड्राइव कर रहे हैं ताकि हमारा अल्टीमेटली वैल्यू सेल्स बढ़े ज्यादा से ज्यादा कंपनी हम लोग भी करते हैं जब कंसल्टिंग में हम लोग लेते हैं कि हम लोग ड्राइव करते हैं कभी कभी प्रोडक्टिव कॉल्स के ऊपर फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल प्रोडक्टिव हो बट समटाइम्स वी हैव सीन कि प्रोडक्टिव कॉल्स बढ़ गया लेकिन वैल्यू सेल्स जो हम एक्चुअली इंपैक्ट करना चाह रहे थे वो नहीं बढ़ा एनालिसिस have वी इज दैट कि भाई एवरेज बिल वैल्यू इज डिक्लाइनिंग हमने एवरेज बिल वैल्यू लिया कि भाई पहले कितना था अभी कितना हो रहा है तो हमने देखा कि प्रोडक्टिव कॉल तो बढ़ गया सो so but the total द sale है वो कहीं उतना फर्क नहीं पड़ा सो द एवरेज बिल वैल्यू इज डिक्रीजिंग इसका मतलब क्या है दिस इज द टाइम वी should टेल द सेल्स टीम टू increase द टोटल लाइन सोल्ड एंड द गिव दम वॉल्यूम टारगेट ऑल्सो कि भाई आप रेंज भी बढ़ाओ आप दुकानों के अंदर डेप भी बढ़ाओ वॉल्यूम भी बढ़ाओ ना सी इफ बोथ द थिंग्स आर नॉट हैदर प्रोडक्टिव कॉल बढ़ा लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ा सो दैट मीन समवेयर रेंज सेलिंग के ऊपर हमने फोकस उतना नहीं किया देर वी नीड टू फोकस एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू इंक्रीज इन वैल्यू सेल सेकेंड सीटैनियो क्या हो सकता है प्रोडक्टिव कॉल इज सेम बट वैल्यू सेल इनक्रीजिंग प्रोडक्टिव कॉल उतना ही है हमने ड्राइव किया बट प्रोडक्टिव कॉल नहीं बढ़ा उतना बट क्या हुआ कि वैल्यू सेल्स बढ़ गया प्रोडक्टिव कॉल उतना ही है जितना पहले होता था लेकिन जो हमारा वैल्यू सेल हो वो बढ़ गया इसका मतलब क्या है हमने एनालिसिस किया तो क्या पता चला कि एवरेज बिल वैल्यू इज इंक्रीजिंग एवरेज बिल वैल्यू इंक्रीजिंग इज ए गुड थिंग बट प्रोडक्टिव कॉल नहीं बढ़ रहा इसका मतलब क्या है द फोकस इज ऑन फ्यू बिग आउटलेट्स तो यहां पे इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से नॉट अ वेरी गुड हेल्दी सिचुएशन क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम कुछ ही दुकानों में हमारा फोकस ना रहे हमारा फोकस ज़्यादा जितने भी हमारे दुकान हैं सबके अंदर रहे अगर कुछ ही दुकानों से ही हम अपना सेल निकल रहे तो दैट मीन्स समवेयर वी आर नॉट यू नो डूइंग द राइट थिंग इन द मार्केट्स वी हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट आउटलेट्स ऑल द आउटलेट्स एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू ड्राइव प्रोडक्टिव कॉल्स तो अभी हम क्या करना है प्रोडक्टिव कॉल तो सी फर्स्ट इंस्टेंस में क्या था कि एवरेज बिल वैल्यू डिक्रीजिंग तो ये एक मेट्रिक है जो हम अगर फोकस करेंगे देखेंगे कि भाई एवरेज बिल वैल्यू डिक्रीजिंग तो क्यों हो रहा है कहां पे हमको फोकस करना है रेंज सेलिंग ये सब बढ़ाना है एवरेज बिल वैल्यू इंक्रीजिंग तो मतलब क्या कि प्रोडक्टिव कॉल क्या घट रहा है या सेम है प्रोडक्टिव कॉल अगर घटेगा अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो देन डेफिनेटली वी हैव टू गो एंड ड्राइव द प्रोडक्टिव कॉल ऑल्सो

कि भाई हम कितने दुकानों में पहुंचना चाहते हैं और अगर जहां पे हम लोग ऑलरेडी है जिस टाउन में सिमिलर टाउन में वहां पे जितना एवरेज बिल वैल्यू है उसी को हम लोग यूज करेंगे जो नया टेरिटरी हम खोलना चाहते हैं और सिमिलर टाउन हम खोलना चाहते हैं उसके लिए भी तो दीज आर द टू थिंग्स विच विल अस इन डिटरमाइनिंग द प्रोजेक्टेड सेल्स So these are the three instances uh, where you can use the aver average bill value hope you like this video please don't forget to like share and subscribe and i'll be back with more videos thank you